छतरपुर जिला स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में संचालित 108 एम्बुलेंस सेवा इन दिनों बदहाली की शिकार है। कई गाड़ियों में तो ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, जिनमें सिलेंडर है उनमें गैस नहीं है। नौगांव से जिला अस्पताल रेफर हुई मऊ रानीपुर निवासी की 1.5 माह की बच्ची ने इसी बदहाली के चलते दम तोड़ दिया। मऊ रानीपुर के आशिफ खान की बेटी सिदरा खातून बीमार हो गई। 1.5 महीने की मासूम को एनीमिया था और उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। बच्ची के बीमार होने पर आशिफ उसका इलाज कराने छतरपुर के लिए निकले ताकि उसे समय पर इलाज मिल सके। इससे पहले वो छतरपुर पहुंचते बच्ची की नौगांव में तबीयत अधिक बिगड़ गई। आशिफ ने उसे लेकर नौगांव अस्पताल पहुंचे। ड्यूटी डॉक्टर ने बच्ची का चेकअप करने के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। आशिफ ने एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ना होने के आरोप लगाए तो मौके पर मौजूद लोगों ने सिलेंडर की जांच की, जिसमें ऑक्सीजन नाम मात्र के लिए भी नहीं थी। मौका लगते ही चालक 108 एम्बुलेंस को लेकर वहां से फरार हो गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर लखन तिवारी ने कहा कि सिलेंडर में ऑक्सीजन ना होने से बच्ची की मौत का मामला गंभीर है, जिसमें नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। हाँ, मुझे जानकारी लगी है और उसके संबंध में मैंने स्टेट के अधिकारियों से भी चर्चा किया हुआ है। उनको हम नोटिस दे रहे हैं और नोटिस के उपरांत एजेंसी की को भी नोटिस देंगे और उनके खिलाफ जो भी नोटिस आने के बाद जांच की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा इस तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। अगर लापरवाही पाई गई तो सख्त एक्शन होगा। तो अभी नोटिस देंगे, जांच हो जाने दीजिए और जो भी आएगा उसे आपको अवगत करा देंगे। थैंक यू। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।